फुटबॉल जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का अपनी पर्ची पूरी बनाते हैं। हम इस सोयू सरकार के कानों में ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जो फोर्थ पिलर हो आप लोग डेमोक्रेसी का, कि जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है आज तक, अभी तक जो फायरिंग अभी तक हो रही है, कल सुबह कल से स्टार्ट हुई है, अभी तक चल रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अब तक सोई है, हमें कोई इनकी स्टेटमेंट नहीं आई है, कोई रिलीफ के लिए गवर्नमेंट बॉर्डर एंड तक नहीं पहुंची है, किसी तरह की कोई भी हेल्प हमारे लोगों तक वहाँ नहीं पहुंची है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर स्टोन पेल्टर्स के लिए इनके पास पैकेज है, अगर एंटी नेशनल एलिमेंट्स के लिए इनके पास पैकेज है, तो हम लोग जो बॉर्डर पे पाकिस्तान की गोलियों से मर रहे हैं, हमारे लिए पैकेज क्यों नहीं है? हम ये कहते हैं कि वहाँ के मरने वालों को 25-25 लाख रुपया प्लस एक फैमिली को, फैमिली के एक आदमी को सर्विस मिलनी चाहिए। जो जानवर मर रहे हैं उनके लिए 1-1 लाख रुपया, जो मकान हमारे डैमेज हो रहे हैं उनके लिए 10-10 लाख रुपया पैकेज दी जाए। अगर ये गवर्नमेंट नहीं मानी, अगले 10 दिन तक हम अपने मवेशी लेके, जानवर लेके, सारा सामान उठा के हम तभी कबल पर बैठेंगे आके। जितनी गोलियां हमने मरना वहां भी है, हम यहां आके मारेंगे। हम अब ये बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।